आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अपने चीरहरण से भी पहले द्रौपदी कौरवों का अंत क्यों चाहती थी। देखिए, महाभारत में द्रौपदी के अपमान और चीरहरण को युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को द्रुत क्रीड़ा में कौरवों के साथ दांव पर लगा दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई माने जाते हैं, वो इस खेल में द्रौपदी को कौरवों से हार गए थे। जब खेल खत्म हुआ तो कौरव वंशज दुर्योधन का भाई दुशासन द्रौपदी को उनके बाल पकड़कर सभा में ले आया और कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से मदद की गुहार लगाई थी। तब भगवान कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। द्रौपदी महाकाली का रूप मानी जाती है और महाकाली पार्वती का ही एक रूप है। ऐसा माना जाता है कि पार्वती और भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण भाई बहन थे और राखी का वादा उन्होंने चीर हरण के दिन निभाया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि महाभारत के पूरे युद्ध और कौरव वंश का अंत पहले से ही निश्चित था। पांचाल के राजा ने अपनी पुत्री को बचपन से ही हस्तिनापुर के अंत के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। मान्यताओं के अनुसार गुरु द्रोण ने पांचाल के राजा का अपमान किया था और उसी अपमान का बदला लेने के लिए पांचाल अध्यापति ने पांचाली के मन में नफरत भरी। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी महाकाली का रूप थी। इसी के आधार पर माना जाता है कि अपने अपमान से पहले ही वो हस्तिनापुर का विनाश चाहती थी। पांचाली यानी द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म पितामह, रुद्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और विदुर जैसे विद्वान भी मौन रह गए थे, क्योंकि द्रुत क्रीड़ा में पांडव कौरवों से बाजी हार गए थे। फिर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से मदद की गुहार लगाई थी। तब भगवान कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। कौरवों में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो द्रौपदी के चीरहरण का विरोध कर रहा था। दुर्योधन और दुशासन चीरहरण में लगे हुए थे, जबकि उनका छोटा भाई विकर्ण विरोध कर रहा था। वो अपने भाइयों के चीरहरण के सख्त खिलाफ था। उसने अपने भाइयों को ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी थी। उसने चिताया था कि ऐसा करना उनके पतन का कारण बन जाएगा, और ऐसा हुआ भी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।